और उससे भी पहले बच्चों में आप लोगों के सीनियर भी हूं, मैंने 12वीं क्लास यहीं से पास किया है। आपके स्कूल से कॉलेज से मैं पास आउट हूं। जब मैं शादी होकर आई तो तस्वीर का एग्जाम दिया था मैंने और उसके नेक्स्ट डे रिजल्ट था, तो मेरे घर में सभी को पता था, मुझसे कहा कि अपना रोल नंबर दे दो। जब रोल नंबर मांगा गया तो मेरी तो हवा टाइट हो गई कि भाई अगर फेल हो गई तो बड़ी गड़बड़ेगी ससुराल में। तो मैंने बड़े धीरे से अपने बड़े वाले देवर को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप पेपर ले आओ। उस जमाने में रिजल्ट पेपर में निकला करता था, तो बड़ी मुश्किल से वो पेपर ढूंढ ढांक के लेके आए। फर्स्ट डिविजन में देख लिया, सेकंड में देख लिया, थर्ड में देख लिया, कहीं रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ा। आंखों में आंसू भराए। इतने में मेरी छोटी बहन का टेलीग्राम आया कि दीदी आपने सेकंड डिविजन से 10th क्लास पास की है। चंद्रा जी ने पूछा क्या करना चाहते हो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप सोचिए 74 में सन 74 में एक शादीशुदा बहू का कॉलेज जाना कितना विषम परिस्थिति थी मेरे लिए। सबने मना कर दिया, भाई बड़ी मजाक उड़ेगी, बहू को पढ़ा रहे हो, ये है वो है, बहुत तरह की बातें, क्योंकि मैं एक ऐसे दबे कुचले समाज से आती हूँ, वाल्मीकि समाज से आती हूँ मैं। हो सकता है मेरी सास ने या मेरे ननद ने आप लोगों के घरों में काम किया होगा। मेरी सास आगे आई, उन्होंने कहा जब बहू पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। लिहाजा मेरे ससुर आए बहुत मिन्नत मशाकत शर्त लेके के पास होना पड़ेगा। कहा कि मैं पास होंगी, ग्यारहवीं में एडमिशन ले लिया, रेगुलर आती थी। अब ऑब्जेक्शन उठाया पुराने जमाने की बुढ़ियों ने, आज मैं भी बुढ़िया हूँ लेकिन उस समय बहुत कड़ू बुढ़िया थी। तो उन्होंने कहा अरे मास्टरों से मुंह बोल के पड़ेगी, पता पता थी उस समय तो बहुत ज्यादा। तो मास्टरों ने कहा घर का घूंघट निकाल के थोड़ी पड़ेगी। खैर सब लोग राजी हो गए। ज्यादा जब आप ऑब्जेक्शन उठाया था हमारे ससुर साहब ने एक रिक्शा लगवा दिया, रिक्शे में आना जाना हो गया, परिस्थिति सुगम हो गई, पास हो गए। तभी चंद्रा जी की पोस्टिंग हो गई गुजरात में कांगड़ा पोस्ट पर। तो मैंने कहा क्या करना है, मैंने कहा बताइए मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा आप तो गुजरात में है, खाने पीने की परेशानी होगी, लिहाजा मैं अपने साथ चली गई। कि क्या करूँगी, मैंने कहा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो दो बच्चे जो थे पढ़ने लायक हो चुके थे, उन्होंने कहा इनको घर में पढ़ाओ, पढ़ाती रही थी। फिर डेली कोशिश हुई उनकी, उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मैं सेकंड कोर्स करना चाहती हूँ, ड्रॉप करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, वो कर लिया, फूड प्रिपरेशन का कोर्स किया वो भी कर लिया। मैंने कहा मुझे जॉब तो करने दो, मैंने कहा जॉब नहीं करूंगी, बच्चे को पढ़ाओ ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने सास का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बेटे को सर पे मेरा ढोकर एसपी बनाया, और एसपी भी छोटी मोटी संस्था का नहीं, आईटी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। देश विदेशों में घूमे, 16 कंट्री में नौकरी करी उन्होंने, अपने नाम का परचम लहराया। एक भंगी के बच्चे के लिए इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचना, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना बहुत गौरव की बात थी। आज मैं उनका नाम लेके आगे बढ़ रही हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आप लोगों के बीच में और भी आगे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने पुराने विद्यालय में आई हूँ। उस समय बहुत तेज था, आज का बहुत सुंदर प्रांगण बना हुआ है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। बहुत चेंज आया है, लॉट ऑफ चेंज आया है। आप सब बच्चों से
एक नेता तो अनपढ़ भी हो सकता है, अपनी बात पटुता से, अपने शब्दों के दाम से, लेकिन एक ऑफिसर रैंक में एक पढ़ा लिखा बंदा ही पहुंच सकता है। तुम्हें आपका पत्रों से एक शेष के साथ से मुखाबिक होना चाहती हूँ। ये खुद ही को क्या बोलें इतना, खुद ही को क्या बोलें इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज मैं आप लोगों के सबके सामने एक वादा करके जा रही हूँ, मुझे आप जब जब बुलाएंगे, जब जब याद करेंगे, मैं आपके बीच में हाजिर होगी। और इस विद्यालय के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं करूंगी। आज मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, सही मायनों में हमें आजादी तभी मिलेगी हम अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं, संबल बनाएं, आगे बढ़ने की प्रेरणा उसके परिवार से ही मिलती है। बेटियों का सम्मान कीजिए, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी ये नहीं है कि हमने अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, अच्छी जगह घूमने चले गए। हमें अपने आजादी अपने विचारों में लानी है, हर तरह से हमें ऊपर उठना है, हर तरह से अपने आप को साबित करना है। इस विद्यालय के बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभाशीष देना चाहती हूँ, आप लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। और उन गुरुजनों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ जिनकी छत्र छाया से निकलकर आप लोग जिंदगी रूपी मैदान में जाएंगे, अपने आप को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय अभाव है, किसी दूसरी